हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम मक्खन बनाएंगे। मक्खन को कई तरीके से बनाया जाता है। आप मक्खन को दही से चर्न करके, क्रीम से चर्न करके या फिर मलाई से चर्न कर भी बना सकते हैं, पर आजकल ज़्यादातर बच्चे घरों में मलाई खाना पसंद नहीं करते, तो हम दूध से मलाई निकाल कर फ्रिज में या फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं। तो आज हम मक्खन घर की निकली हुई मलाई से बनाएंगे। तो आइए मक्खन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बोल में बची हुई मलाई ले ली है। अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और इसे हैंड ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड करेंगे। मक्खन को आप हाथ से फैट कर या फिर मिक्सी में भी चलाकर बना सकते हैं, पर हैंड ग्राइंडर से मक्खन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं मलाई से थोड़ा थोड़ा मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें एक कप पानी और डालेंगे और इसे थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे। अगर आप मक्खन गर्मियों में निकाल रहे हैं तो मलाई को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए इसमें बर्फ का पानी डालें और इसे ग्राइंड करें। और यदि आप मक्खन सर्दियों में निकाल रहे हैं तो मलाई को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दें और फिर ग्राइंड करें। ऐसा करने से मक्खन बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप देख सकते हैं मक्खन अच्छे से निकल गया है। अब हम मक्खन को इस तरह निचोड़कर इसमें से सारा दूध अलग निकाल देंगे। अच्छे से इस तरह दबाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह मक्खन निकाल लिया है। अब हम इसी तरह सारा मक्खन निकाल लेंगे। आप इस मक्खन से घी भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मक्खन बनकर तैयार हुआ है। इसे आप फ्रिज में रख के 3-4 दिन तक यूज कर सकते हैं। इसे आप स्टफ पराठों के साथ या फिर मक्का की रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर इसे आप किसी भी सब्जी को बनाने में यूज कर सकते हैं। आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।